अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान, कैसे हैं आप सब। सो मेरे बेटे, जैसे कि आज आप लोगों को पता है कि जनाब हम लोगों ने कल रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर के ऊपर बात की थी, आज इसे फर्दर। और हाँ जनाब, आज आपका FLPB है या फुल लेंथ पेपर, और उस फुल लेंथ पेपर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ नए MCQs आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज, थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करने आ रहे हैं, और उनका भी ख्याल रखिएगा। और आज गर्मी भी बहुत है और योम इतिसाल भी है, ज़्यादा नहीं लेकिन कश्मीर के लिए हम दुआ तो कर ही सकते हैं मेरा बेटा। इसके अलावा मेरे ख्याल में हम लोग कर नहीं सकते ना, तो आज ब्रेक नहीं है। किसकी ब्रेक बेटा? जी फरहान साहब ने मेरा बेटा टाइम चेंज कर दिया है, आपको पता है ना फरहान साहब जब चेंज कर दे तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। आज ब्रेक नहीं है, बचाएं जी, बच्चे पूछ रहे हैं ब्रेक क्यों नहीं हुई आज। मैं बेटा आप पूछ रहा हूँ, जरा एक मिनट रुको, फरहान साहब बताएं ब्रेक क्यों नहीं हुई। सर कह रहे हैं 20 मिनट की ब्रेक हुई है, और उन्होंने साथ इंग्लिश में कुछ बोला है मोर देन इनफ, तो वो इतना काफ़ी आपके लिए। चार छुट्टियां कम नहीं, नमाज पढ़नी होती है सर, सही बात है बेटा, मैं भी आपके साथ हूँ। चले माफ़ कर दें बेटा आज के लिए इनको ना। अच्छा, आज कुछ टॉपिक्स जैसे कि पोटेंशियोमीटर को पढ़ने से पहले हमें पोटेंशियल डिवाइडर के बारे में पता होना चाहिए, पोटेंशियल डिवाइडर से पहले हमें रियोस्टेट के बारे में पता होना चाहिए, और रियोस्टेट से पहले मेरा बेटा हमें कुछ चीज़ों के बारे में जिन्हें कहा जाता है मेरा बेटा जो कार्बन रेजिस्टेंस है कलर कोडिंग, उसके बारे में भी मेरा बेटा पढ़ना हो चाहिए। सर इतनी जल्दी क्लास हो गया होगा, यहाँ ये पश्तून बोल रहे, उर्दू बोल रहे, पंजाबी बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रही मेरा बेटा। टॉपिक हमारे पास कलर कोड कार्बन रेजिस्टर, बहुत आसान सा मजेदार सा टॉपिक है मेरा बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर कॉल्ड द कार्बन रेजिस्टर। जनाब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कल भी बता दिया था मेरा बेटा, बट आर कॉल्ड द कार्बन रेजिस्टर मेरा बेटा, हाईली ग्रेड सिरामिक होते हैं, हाईली ग्रेड सिरामिक, उसका मेरा बेटा हम एक सबस्ट्रेट लेते हैं, सबस्ट्रेट मतलब आप कह सकते हो बेस कह सकते हैं, जिसके ऊपर हम लोग मेरा बेटा डिपॉजिट करवाते हैं थिन फिल्म ऑफ द कार्बन को, जिसको नाम दिया जाता है मेरा बेटा रेजिस्टर का, डिपॉजिट बाय थिन रेजिस्टिव फिल्म ऑफ कार्बन। बाय थिन रेजिस्टिव फिल्म ऑफ कार्बन, इसको हम मेरा बेटा रेजिस्टर का नाम देते हैं, और कलर कोड के मेथड से इसी रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। कार्बन कलर कोड कार्बन रेजिस्टर में इसी मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम मेरा बेटा क्या चीज कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेरे बेटे। यहां पे आपने सबसे पहले जो कलर्स हैं उनको लिखना है, 0 से 9 तक नंबर लिखा जाता है, लेकिन इसको याद करने का तरीका सबसे आसान बता दूं, बीबी रोए जी बीबी जी वाइट, ये आसान सा मेथड है इसको याद करने का, बीबी रोए आर ओ वाई जी बी वी जी वाइट हैंड वाला कलर आ गया, बीबी रॉय जी बीबी जी वाइट।
इस लाइन से भी मेरा बेटा हम इसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा बेटा, जी जी मैं बेटा रिपीट करता हूँ, जरा हौसला रखें। ब्लैक, ब्राउन, रेड ओ से, ऑरेंज वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, वी से वॉलेट, फिर जी से ग्रे, और हां बेटा वहां पे रोए की बीवी और जीबी रोए, बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये भी ठीक है भाईजान, लेकिन हमने तो अपनी आसानी के लिए ये वाला किया हुआ है हमदान। दोबारा फिर बीबी को रुला दिया हमने मेरा बेटे। सो बीबी रोए जी, बीबी जी वाइट, जी मेरे बेटे मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले व्हाट आर कॉल्ड द कार्बन रेजिस्टर, हाई ग्लेड सिरामिक को उसकी एक सबस्ट्रेट ली जाती है, उसकी एक तह ली जाती है, उसके ऊपर डिपॉजिट किया जाता है एक थिन फिल्म ऑफ कार्बन को जो रेजिस्टिव होती है, और इसे नाम देते हैं रेजिस्टर का मेरा बेटा। और जैसे कि सबसे पहले आपने सिरामिक का एक सबस्ट्रेट ले लिया और उसके ऊपर आपने एक हल्की सी लेयर बना दी, थिन फिल्म ऑफ कार्बन विच इज द रेजिस्टर या रेजिस्टिव, जिसे हम मेरा बेटा नाम दे देते हैं मेरा बेटा रेजिस्टर का। उस रेजिस्टर की वैल्यू, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कार्बन जो आपके पास कलर कोड कार्बन रेजिस्टर, मेरा बेटा कलर कोडिंग के मेथड से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा बेटा हमने यहाँ पे कलर्स के नाम लिखने हैं, और कलर्स के नाम लिखने के लिए मेरा बेटा मैंने सबको आसान तरीका बताया, बीबी रोय जी बीबी जी वाइट के नाम से अगर आप मेरा बेटा एक लाइन याद कर लेते हैं तो आपको 0 से 9 तक ये जो कलर हैं वो याद करने सबसे आसान होगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, ये 9 कलर्स मेरा बेटा मैंने लिख दिए आपके सामने। उसके बाद जो रेजिस्टेंस होती है मेरा बेटा उसके ऊपर 4 लाइंस लगी होती है, 1, 2, 3 और फोर्थ वन लाइन भी आती है मेरा बेटा। एक्चुअली इन तीनों को कलर बैंड्स कहा जाता है, इन तीनों को कलर बैंड्स कहा जाता है, 3 बैंड्स होते हैं कलर के। अब फोर्थ वन आपके पास जो होता है मेरा बेटा उसको टॉलरेंस बैंड कहते हैं, ये आपके पास कलर बैंड्स हैं और ये आपके पास टॉलरेंस बैंड होता है, जो सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है या फिर कोई भी कलर ना हो सकता है। यहां पे मेरा बेटा ये फर्स्ट बैंड, ये सेकंड है और ये आपके पास थर्ड बैंड है। फर्स्ट बैंड किसको इंडिकेट करता है मेरी जान, टॉलरेंस बैंड की डेफिनेशन मैं अभी बता देता हूं। सबसे पहले फर्स्ट बैंड शो करता है फर्स्ट डिजिट को, सेकंड बैंड इंडिकेट करेगा सेकंड डिजिट को, जबकि थर्ड बैंड इंडिकेट करेगा मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब नंबर ऑफ जीरोस को, इसको इंडिकेट करेगा मेरा बेटा नंबर ऑफ जीरोस को। अगेन मेरा बेटे फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट, थर्ड बैंड नंबर ऑफ जीरोस को बताएगा, और फोर्थ बैंड हमें टॉलरेंस बैंड को कहा जाता है जो उसकी टॉलरेंस बताएगा। सबसे पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं कि मेरे पास ब्राउन, ग्रीन, रेड और गोल्ड, ब्राउन, ग्रीन, रेड और लास्ट वाला कलर है गोल्ड। इसी तरह एक और कलर मेरे सामने आ जाता है मेरा बेटा, येलो, व्हाइट, ऑरेंज और सिल्वर, येलो, व्हाइट, ऑरेंज
और लास्ट वन सिल्वर। मुझे यहां पे इन कलर की वैल्यूज निकालनी है रेजिस्टेंस की। फर्स्ट कलर ब्राउन है तो डिजिट क्या है, 1 आ जाएगा। दूसरा आपके पास ग्रीन है तो क्या आ गया, 5। उसके बाद रेड आ रहा है, थर्ड जो डिजिट होता है वो नंबर ऑफ जीरोस को बताता है, 2। मतलब आप यहां पे 2 जीरो का इस्तेमाल करोगे। इसी तरह बाद में लिखा हुआ येलो तो उसकी जगह पे 4 आ गया। व्हाइट, व्हाइट की जगह पे मेरी जान 9 आ गया। उसके बाद ऑरेंज 3 लिखा हुआ है तो 3 कलर्स आ गए या 3 जीरो आ गए आपके पास। अब लास्ट वाला जो बैंड है जिसके ऊपर मैंने टिक किया हुआ है ये इंडिकेट करता है, लास्ट वाला जो बैंड है ये मेरी जान इंडिकेट करता है नंबर ऑफ जीरोस को। अब मेरे बेटे लास्ट वाले बैंड में हमने लिख लिया नंबर ऑफ जीरोस भी। अब ये जो गोल्ड और सिल्वर है ये हमारा टॉलरेंस बैंड है। टॉलरेंस का मतलब कि हमारे पास अगर मार्केट में वैल्यूज लेने जाते हैं तो टॉलरेंस हमें बताती है कि इतने परसेंटेज में वैल्यू कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अब टॉलरेंस बैंड में 3 तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये गोल्ड होगा टॉलरेंस बैंड, या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा, या फिर आपके पास थर्ड पॉसिबिलिटी है किसी किस्म का कोई बैंड मौजूद ना हो, नो बैंड। लास्ट वाले में किसी किस्म का कोई बैंड मौजूद ना हो। मेरा बेटा अगर गोल्ड लिखाओ तो 5%, सिल्वर लिखाओ तो मेरा बेटा ये आपके पास आई थिंक 20% 10% आता है, और अगर किसी किस्म का कोई कलर ना हो तो 20% लिखा गया होता है। मेरी जान इस बात का मतलब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसके ऊपर मैं सर्कल बना रहा हूं, ये टॉलरेंस बैंड को बता रहा है। सबसे अच्छा जो रेजिस्टिव है वो 5% वाला होगा, क्योंकि 5% वेरिएशन, जो पॉसिबल वेरिएशन है ऐसी रेजिस्टेंस में जिसका आखिरी कलर गोल्ड होगा उसमें 5% वेरिएशन मौजूद हो सकती है। इसी तरह मेरी जान जिसका आखिरी कलर गोल्ड होगा उसमें 10% हो सकती है, और जिसका आखिरी कलर किसी किस्म का ना सिल्वर हो ना गोल्ड हो उसमें मेरा बेटा आपके पास 20% वेरिएशन हो सकती है। जैसे कि यहां पे फर्स्ट वाले में पहले में गोल्ड था तो यहां पे 5% वेरिएशन होगी, इसमें सिल्वर है तो इसमें 10% वेरिएशन होगी। इनकी वैल्यूज अगर लिखें तो एक आपके पास बन रही है 1500 प्लस माइनस 5% टॉलरेंस के साथ। जैसे मैं ऐसे R1 का नाम दे देता हूं, R2 मेरे पास आ रही मेरा बेटा 49,000 और प्लस माइनस 10% वेरिएशन के साथ। जैसे कि अगर आप मार्केट में जाते हो उसके ऊपर मार्क वैल्यू लिखी होती है 100, और उसका फर्ज करें लास्ट कलर आपके पास सिल्वर है, इट मींस 10% वेरिएशन हो सकती है। इसकी वैल्यू 110 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 90 भी हो सकती है, 10 ज्यादा भी हो सकती है, 10 कम भी हो सकती है। टॉलरेंस का ये मतलब होता है। मैं दोबारा से मेरा बेटा आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूं, व्हाट आर कॉल्ड द रेजिस्टर। हमारे पास हाईली ग्रेड सिरेमिक का सब्सट्रेट लिया जाता है जिसके ऊपर मेरा बेटा डिपॉजिट करवाई जाती है थिन फिल्म ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिव थिन फिल्म ऑफ कार्बन, जो के बनाते हैं हमारे पास रेजिस्टर्स। अब इन रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू है, कलर कोडिंग के मेथड से इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जनाबे वाला सबसे पहले आपने कलर्स लिखे, बीबी रोय जीबीवीजी व्हाइट, BBROY जीबीवीजी व्हाइट के नाम से मैंने लिख दिए 0 से 9 तक। उसके बाद मेरी जान आपके पास जो 4 लाइंस होती हैं उनमें पहली 3 लाइंस 3 कलर बैंड्स होते हैं और लास्ट वाला आपके पास टॉलरेंस बैंड होता है। फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड और फोर्थ वन। फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट को इंडिकेट टॉलरेंस की वैल्यू बताता है। मेरा बेटा हमारे पास यहां पे टॉलरेंस बैंड, टॉलरेंस बेटा बैंड वो बैंड जो हमें ये चीज बताएगा कि जो आपके पास वैल्यू रेजिस्टेंस की आ रही है उसमें कितनी वेरिएशन की पॉसिबिलिटी मौजूद है। उसके बाद मेरी जान मैंने आपको यह बताया कि यह आपके पास
बीबी रो जी बी जी वाइट से 0 से 9 तक डिजिट्स आते हैं, चार लाइंस लिखी होती हैं इस रजिस्टर के ऊपर, चारों लाइनों को कैसे जाहिर करते हैं, कैसे रीड करना होता है। पहली लाइन फर्स्ट डिजिट को इंडिकेट करती है, सेकंड लाइन जो कलर होता है सेकंड कलर वो सेकंड डिजिट को इंडिकेट करता है, थर्ड कलर आपके पास नंबर ऑफ जीरोस बताएगा और फोर्थ वन हमें टॉलरेंस बैंड की वैल्यू बताएगा। पहला कलर फर्स्ट करें, मेरे पास यहां पे ब्राउन आ रहा था तो ब्राउन के लिए 1 आ गया, 1 लिख दिया मैंने। सेकंड कलर मेरे पास सेकंड डिजिट में ग्रीन आ रहा था तो ग्रीन का कलर क्या है 5, तो मैंने 5 लिख दिया। थर्ड कलर मेरे पास रेड आ रहा था तो हमने कहा जो थर्ड डिजिट आपके पास बैंड होगा वो नंबर ऑफ जीरोस बताएगा, तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास 2 आएंगे। और अगर फोर्थ वन जो बैंड है वो हमें टॉलरेंस की बात बताएगा, बर्दाश्त की बात बताएगा कि इसमें कितनी वेरिएशन मौजूद है, तो मेरे पास अगर वो गोल्ड हो तो गोल्ड के लिए 5% वेरिएशन होती है, सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10% होती है, और अगर किसी किस्म का कोई कलर फोर्थ ना हो तो उसमें 20% की वेरिएशन पॉसिबल होती है। अफशा मुजाहिद कह रही है अच्छा ये तो हमारे कॉलेज सर ने बताया था जी, सबसे बेस्ट टॉलरेंस गोल्ड की का मतलब ये होता है कि इसमें कम से कम वेरिएशन मौजूद है, 5% वेरिएशन है, इसलिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अभी हमें वेरिएबल रेजिस्टर और पोटेंशियल डिवाइडर की बात करनी है, वेरिएबल रेजिस्टर और पोटेंशियल डिवाइडर की बात करनी है, और बहुत ही कंसेप्चुअल और मज़ेदार टॉपिक है, समझने वाला है, और अगर आप लोग थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो बहुत आसान है, अगर गौर नहीं फरमाएंगे तो थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। रियोस्टेट का कॉन्सेप्ट एक्चुअली हमारे पास, मेरा बेटा आता है, पोटेंशियोमीटर के लिए होता क्या, मेरा बेटा एक वायर वाउंड की होती है वेरिएबल रेजिस्टर के ऊपर, एक वायर को वाउंड किया गया होता है, वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टर, इसके अगर मेरा बेटा फॉर्मेशन देखें यहां पे हम एक पॉइंटर लेते हैं, स्लाइडर जिसे कहते हैं मेरा बेटा, कुछ पॉइंट्स का नाम दे देते हैं, हमारे पास पॉइंट बन रहे हैं ए बी सी। सबसे पहले हमें यह प्रूफ करना है वेरिएबल रेजिस्टर, रियोस्टेट को वेरिएबल रजिस्टर एज वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस की हम ये बात यहां पे साबित करेंगे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अब मेरा बेटा ये जो पॉइंटर है जैसे जैसे मूव करेगा इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, वो कैसे होती है, वायर हमारे पास बेर मैग्नेनियम की होती है, तो यहां पे हम एक तो पोटेंशियल डिवाइडर की भी बात करेंगे, ऐसे पोटेंशियल डिवाइडर ये कैसे काम करता है। फिलहाल सबसे पहले पोटेंशियल डिवाइडर या रियोस्टेट या विश्व पोटेंशियोमीटर भी कह सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट है मेरा बेटा। सबसे पहले
आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल साबित करने के लिए जनाबे वाला आप क्या करेंगे, इसके ए पॉइंट से एक वायर लेकर बी पॉइंट से भी एक वायर लेके इसको कनेक्ट कर देंगे एक बैटरी के साथ, इसको एक्टिव करना पड़ेगा आपको, यहां पे कोई स्विच लगा दे, ए बी सी ये पॉइंट आ गए। याद रखिएगा वेरिएबल रेजिस्टर में आपने दो पॉइंट्स को देखना है, ए और सी को, आपने दो पॉइंट्स की बात करनी है, ए और सी की बात करनी है। सपोज आपका ये पॉइंटर यहां पे मौजूद है, इस बात का मतलब क्या बनता है कि आपके पास इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहां पे फिर उसके बाद यहां पे गया, इस तरफ आया, इधर आया, फिर इधर, ये करंट की डायरेक्शन आपके पास आ रही है। जहां पे ये पॉइंटर मौजूद होगा, ये कनेक्शन मौजूद होगा, मेरा बेटा यहां पे ये पॉइंटर मौजूद होगा, ये कनेक्शन मौजूद होगा, ये इंडिकेट करेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट का ये पाथ मौजूद है। अब जैसे जैसे इस स्लाइडर को मैं सी की तरफ मूव करूंगा, तो मेरा बेटा इस वायर की लेंथ, इसकी लेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। बड़े अच्छे से ये बात को क्लियर हो जाना चाहिए कि भाईजान हमने क्या किया, इसको कनेक्शन कर दिया एक बैटरी के साथ। मेरा बेटा इस पॉइंटर पे यहां पे ये वायर अपना इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे फ्लो कर रहा है, ये इसको पाथ मिल रहा है। अब जैसे जैसे ये स्लाइडर इसके ऊपर मूव करेगा, ये स्लाइडर हमें ये चीज बताता है जनाब कि आपके पास जैसे जैसे जिस वायर के अराउंड ये जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो ये वायर सारा इसके पाथ में इलेक्ट्रिक सर्किट में शामिल होती जाएगी। तो जहरी सी बात है, जब लेंथ इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी, तो हम लिख सकते हैं रियोस्टेट एज वेरिएबल रेजिस्टर, रियोस्टेट एज वेरिएबल रेजिस्टर। इस तरफ करेंगे तो लेंथ कम हो रही है, अगर उस तरफ सी की तरफ लेके जाएंगे तो लेंथ की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। इसी तरह मेरा बेटा दोबारा फिर वही सर्किट, अब हम पोटेंशियल डिवाइडर की बात करने जा रहे हैं। पोटेंशियल डिवाइडर, यहां पे भी पॉइंट्स इंडिकेट कर देते हैं, ये हमारा सी पॉइंट था, ये बी है और ये ए है। तो मेरा बेटा अगेन हम क्या करेंगे, हम इसको मेरा बेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई अप्लाई करेंगे या वोल्टेज अप्लाई करेंगे, एक तरफ से पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया और एक तरफ से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। मैं ये कह सकता हूं कि ये आपके पास हाई वोल्टेज है, पोटेंशियल डिवाइडर की बात करेंगे, और ये आपके पास लो वोल्टेज है। हाई और लो के दरमियान फर्ज करें कि आपके पास ए पे हाई है और बी पे लो है, बी पे फर्ज करें जीरो है और ए पे आपके पास 100 वोल्ट है और बी पे आपके पास मेरी जान जीरो वोल्ट है। हमने रियोस्टेट को एज ए पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल को कम करने वाला कैसे इस्तेमाल करना है, तो मेरा बेटा इसके लिए आप बी और सी पॉइंट्स को मुशाहदा करेंगे, इनको अपनी जेरे गौर लाएंगे। जनाब यहां पे भी हम क्या करते हैं, मेरा बेटा फर्ज करें मैं बी और सी के दरमियान में एक वोल्ट मीटर लगाकर पोटेंशियोमीटर से उसकी वैल्यू या वोल्ट मीटर से उसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, और वोल्ट मीटर मुझे यहां पे बी और सी के जो वोल्टेज की वैल्यू दे रहा है वो
जीरो वोल्ट दे रहे हैं। वोल्टेज की वैल्यू कितनी दे रहा है जनाब, जीरो वोल्ट दे रहा है। मैं बी और सी के दरमियान इस पॉइंट पे, जब यहां पे 100 वोल्टेज है और यहां पे जीरो वोल्टेज है, बी और सी के दरमियान मेरा बेटा, मैंने चेक किया कि दरमियान में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो जनाब जब मैंने दरमियान में इनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस चेक किया तो मेरे पास मेरे बेटे ये आ रहा है जीरो वोल्ट। उसके बाद मेरा बेटा मैं क्या करता हूं, फर्ज करें मैं स्लाइडर को बिल्कुल सेंटर में लेके चला जाता हूं, स्लाइडर को बिल्कुल सेंटर में लेके चला गया, जो यहां पे मौजूदा स्लाइडर, स्लाइडर को जब मैं सेंटर पे लेके चला गया तो मेरा बेटा आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए कि जनाब क्या होगा, जो वोल्टेज की वैल्यू है, जो टोटल रेजिस्टेंस इसकी आर है, टोटल रेजिस्टेंस इसकी आर है, मैंने इसको आर बाय टू कर दिया, रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया क्योंकि सेंटर पे लेके आया मैं, पहले फर्ज करें वो यहां पे मौजूद था, अब मैं इसको यहां पे लेके आया तो मेरा बेटा अब मेरे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू अब मैंने अपने वोल्ट मीटर पे बी और सी के दरमियान देखी तो वो आ रही थी 50 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने इसको मूव करना शुरू किया स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को, तो मेरा बेटा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ही यहां पे पोटेंशियल को डिवाइड करे और जहां पे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मौजूद होगा उतना पाथ आपका मेरा बेटा किस में मौजूद होगा, इलेक्ट्रिक पाथ में, क्योंकि हमारे पास यहां पे ये तो एक वायर वाउंड की गई हुई है और इस वायर का कनेक्शन कहां पे इलेक्ट्रिक करंट पाथ करना है ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बताएगा, जिस पॉइंट के साथ जाके जुड़ेगा वो इसके पाथ में शामिल होगा, बाकी हिस्सा इसके पाथ में शामिल नहीं होगा। और इसके लिए इन दोनों के दरमियान जो रेजिस्टेंस को आप स्मॉल आर का नाम दे दें, टोटल रेजिस्टेंस इन दो पॉइंट के दरमियान वो कैपिटल आर है। मैंने आपको ये कहा कि अगर मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को सेंटर में ले आता हूं तो मेरा बेटा यही 100 वोल्टेज का डिफरेंस अब 50 वोल्ट का हो गया, रेजिस्टेंस मेरा बेटा आपके पास यहां पे हाफ। अब मेरे बच्चे जैसे जैसे आप क्या करें इसको इसके करीब ले जाते जाएंगे तो आप जो डिफरेंस है, पहले यहां पे जीरो वोल्ट आ रहा था, यहां पे 50, यहां पे लेके आओगे तो 100 हो जाएगा, दरमियान में किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। आप लोगों ने मेरा बेटा वैसे इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, I इज इक्वल टू वी ओवर आर। अब आपकी जो स्केमेटिक डायग्राम आपकी बुक के ऊपर बनी हुई है पोटेंशियल डिवाइडर की, वो इस तरह से नहीं बल्कि वो इस तरह से बनी हुई है, ए और बी दो पॉइंट्स मौजूद हैं, दरमियान में ये रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर हमने पोटेंशियल डिवाइडर को काम किया, यहां से आपने इसको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दिया, इधर से नेगेटिव टर्मिनल अप्लाई किया, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है यहां पे, पॉइंट ए पॉइंट बी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को सी कह दिया, इन दोनों के दरमियान जो रेजिस्टेंस आर है और इन दोनों के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, जैसे मैंने यहां पे ए और बी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर ली, बी और इस पॉइंट के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल आर का नाम दे दिया। सो वी इज इक्वल टू आई आर होता है मेरा बेटा अगर वोल्टेज की बात करें तो, और अगर मैं बी और सी के दरमियान वोल्टेज की बात करूं तो मेरा बेटा बी और सी के दरमियान अगर वोल्टेज की बात की जाए तो रेजिस्टेंस स्मॉल आर आएगी, वी बी सी इज इक्वल टू आई आर। अब आई की वैल्यू इससे पहले हम मेरा क्या पढ़ चुके हैं, वी ओवर आर, तो यहां पे वी ओवर आर लिख दें और यहां पे स्मॉल आर लिख दें तो आपके पास मेरा बेटा वोल्टेज अक्रॉस बी सी, वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल बी सी आ जाएगा मेरा बेटा। जनाबी वाले यहां पे ये चीज इंडिकेट हो रही है कि जैसे जैसे आप डिवाइड जो पॉइंट का कंडक्टर है उसको मूव करते जा रहे हो वोल्टेज को डिवाइड करता जा रहा है, कम या ज्यादा करता जा रहा है। सो मेरा बेटा यहां पे भी अगर आप आर की वैल्यू देखें, अगर आप आर की वैल्यू मेरा बेटा देखो स्मॉल आर की वैल्यू अगर आप मेरा बेटा क्या कर देते हो आर बाय टू कर देते हो, जैसे कि मैंने यहां पर कहा कि अगर रेजिस्टेंस हाफ हो जाए तो वोल्टेज की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, सबसे पहले वी बी सी हमारे पास इक्वल आ रहा है मेरी जान आर ओवर कैपिटल आर इंटू वी। मैं अगर फर्ज करूं मैं ये कह लेता हूं कि मेरे पास जो स्मॉल आर है रेजिस्टेंस है वो अब पॉइंटर मेरा
जब सेंटर में मौजूद होगा, यही स्मॉल आर जो रेजिस्टेंस है ये आर का हाफ होगी, मतलब मिड पॉइंट पे मौजूद है, तो आर बाय टू। यहां पे पुट करें आर बाय टू डिवाइडेड बाय आर इंटू वी, आर बाय टू डिवाइडेड बाय आर इंटू वी, तो आपके पास फाइनली क्या फॉर्मूला बन रहा है, जब हम आर आर के साथ कैंसिल, ये आ जाएगा वी बाय टू। जो टोटल वोल्टेज थे वो 100 थे, 100 को 2 पे डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, 50 वोल्ट। इसका मतलब ये फार्मूला हमें रेजिस्टेंस के लिहाज से वोल्टेज की वैल्यू बता रहा है कि जब रेजिस्टेंस को मैंने स्मॉल आर को हाफ कंसीडर किया, मैंने खुद भी कहा कि अगर मेरा बेटा, कि इन जनरल अगर मैं बात करूं कि ये सेंटर में मौजूद है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस वैसे भी हाफ होना चाहिए, तो हमने फार्मूला से भी ये साबित कर दिया कि अगर आप स्मॉल आर को आर बाय टू कर देते हो तो वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी जान, हाफ हो जाएगी। जी सना बेटा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो ना। ये पंखा इधर कर दे, मोहल्लेदार को हवा पहुंचानी है। डिवाइडर का मतलब, अच्छा पोटेंशियल डिवाइडर समझ दे मेरा बेटा, मैंने सबसे पहले वही चीज ली, मैंने कहा था आपने बी और सी पॉइंट को जेन में रखना है। आप क्या कहते हो कि यहां से बैटरी का वोल्टेज अप्लाई किया जो कि 100 वोल्ट है, अब मैं कहा बी और सी को देखें, बी और सी लो वोल्टेज पे है, मतलब जब दरमियान में आपने वोल्ट मीटर लगा के देखा तो वैल्यू आ रही थी 0 वोल्ट। जब दरमियान में वोल्ट मीटर लगा के देखा वैल्यू आपके पास 0 वोल्ट आ रही है, तो जनाबे वाला कन्फ्यूजन ये हुई। फिर आपने क्या कहा कि आपने कहा कि फर्ज करें ये पॉइंटर यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है उसको सेंटर में लेके चले जाते हैं। इससे पहले हम लिए एक बात देख चुके हैं कि वेरिएबल रेजिस्टर है वो रेजिस्टेंस वेरी करती है, जब सेंटर में लेके जाए तो आपके पास जनाब पाथ इलेक्ट्रिक करंट का ये बन रहा है ये वाला, तो आप जब देखते हो कि इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है पी और सी के दरमियान, अब आ रहा है जनाब 50 वोल्ट आ रहा है, पहले 100 था अब 50 हो गया। तो मेरे भाई हमने इसको साबित किया कि ये हुआ कैसे, कि यार जब पॉइंटर को मूव करते हैं पोटेंशियल की वैल्यू डिवाइड कैसे हो रही है, हमने फार्मूला यूज किया, वी नो वेरी वेल आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, वी इज इक्वल टू आई आर। मैंने कहा उस पॉइंटर कॉन्टेक्ट के दरमियान और बी पॉइंट के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसको स्मॉल आर कह दें, जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको कैपिटल आर का नाम दे दें। हमने बी और सी के दरमियान वोल्टेज की वैल्यू देखनी है, बी पे जनाब बी और सी के दरमियान वोल्टेज की वैल्यू को आपने नोट करना है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो पॉइंटर मूव कर रहा है बी और सी के दरमियान वो कम या ज्यादा होने से, ऊपर या नीचे जाने से वोल्टेज की वैल्यू में क्या फर्क पड़ता है। हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर है, ओम्स लॉ, यहां से I की वैल्यू निकालें तो V ओवर R होती है, B और C के दरमियान वोल्टेज की वैल्यू देखें तो I स्मॉल R, क्योंकि B और C के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल R से रिप्रेजेंट किया, I की वैल्यू ये वाली यहां पे पुट की तो फार्मूला बना V ओवर कैपिटल R इंटू स्मॉल R। इस फार्मूले में मैंने ये कहा कि अगर मैं पॉइंटर को सेंटर में ले जाता हूं, सेंटर में ले जाने का मतलब वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस हाफ हो गई, मैंने R की वैल्यू को R बाय टू पुट किया,
जब मैंने उसको R by 2 पुट किया तो मेरे पास आंसर आ रहा था V by 2, मतलब वोल्टेज मेरा 2 पे डिवाइड हो गया, हाफ हो गया। अच्छा अगला बड़ा क्वेश्चन मजेदार क्या है, चल भी इलेक्ट्रिक करंट के वाले फॉर्मूले में लास्ट पॉइंट रिपीट कर दूं मेरा बेटा। सिंपली ये मैंने कहा कि अगर मैं रेजिस्टर जो पॉइंटर है उसको सेंटर में ले आऊं, ये जो स्मॉल आर है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, टोटल रेजिस्टेंस आर थी, मैं सेंटर पर ले आया, मतलब स्मॉल आर किसके इक्वल आ गया, R by 2 के फॉर्मूले में मैंने जब R by 2 पुट किया, R R के साथ कैंसिल हो गया तो V by 2 आ गया। जी मेरा बेटा इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब बड़ा मजेदार छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों ने बताना है मेरा बेटा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड कॉन्स्टिट्यूट अ करंट ऑफ 1 माइक्रो एम्पेयर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड आपने बताने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, मतलब के आप मेरा बेटा इलेक्ट्रिक करंट वाला फार्मूला देखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यू इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय टाइम की बात की जा रही है पर सेकेंड। वन माइक्रो एम्पीयर में बात करें मेरा बेटा, जी बेटा वही करवाने जा रहा हूं। जी मेरा बेटा मैं बताता हूँ, इसको मैं रेस कर लूँगा, ऑप्शन है आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड आपने मुझे बताने, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड 1 इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट अ करंट ऑफ 1 माइक्रो एम्पीयर, कॉन्स्टिट्यूट अ करंट ऑफ 1 माइक्रो एम्पीयर, नॉट 1 एम्पीयर, 1 माइक्रो एम्पीयर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है बी 10^-6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी 10^+6 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी 6.25 × 10^12 इलेक्ट्रॉन्स। लिख देता हूं मेरा बेटा स्टेटमेंट को भी, स्टेटमेंट है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड constitutes a current of 1 microampere, constitutes a current of 1 microampere, 1 microampere number of electrons के इक्वल होगा। सो सबसे पहले
1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 6 एम्पेयर के लिए आ जाएगा। अब 1 एम्पेयर कितने इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है, तो मेरा बेटा हम लोगों ने कल भी ये बात पढ़ी थी, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 कूलम के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे पर सेकेंड। तो मेरा बेटा ये 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। जी बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। अच्छा मेरा बेटा, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी करवाया था और इवन के एमडीकेट के टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। सिंपली मेरा बेटा माइक्रो को आप 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 कूलम के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास मेरे बच्चे ये इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हो ना करंट का, आई इक्वल टू क्यू ओवर टी, क्यू को एन ई की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है ना, एन ई ओवर टी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। ये किसी को ना समझ में आए, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, क्यू का मतलब एन ई होता है और टी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, वो हमारे पास 1 माइक्रो एम्पेयर है। और अगर यहाँ पे 1 माइक्रो एम्पेयर है तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड कितने के इक्वल आ रहा है या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड आ रहे हैं वो कैलकुलेट करने थे। ये क्वेश्चन मेरा बेटा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, बहुत आसान से है, जवाब दीजिएगा इसकी वैल्यू, इसका आंसर क्या है। ये पॉइंट पी है और यहां पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, फिर आपके पास मेरा बेटा पर गए 3 रेजिस्टेंस लगी हुई है, फिर आगे जनाब 4 रेजिस्टेंस लगी हुई है, और यहां पे पॉइंट क्यू है। हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास 24 ओम है, हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 24 ओम है। द रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल पी एंड क्यू विल बी 24 24 24 24 24, ये पॉइंट पी है, एंड वाला पॉइंट क्यू है, 24 24 24 24। मेरा बेटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इससे पहले भी इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ऑप्शन में आपके सामने बता देता हूँ, 26 36 32 42, ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 32। क्या आंसर आएगा जनाब, पी और क्यू रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। मेरा बेटा बड़ा आसान सा मेथड बताया था मैंने इसका आपको, ये देखिए पैरेलल हैं तो कैसे इनको सॉल्व करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखोगे, मैं बैटरी यार जरा चेंज करवा लूं, पहले 2 रेजिस्टेंस हैं 24 बाय 2 आ जाएगा, फिर 24 के लिए 3 आ जाएगा, फिर 24 के लिए 4 आ जाएगा, बैटरी चेंज कर दें। सॉल्व करने से मेरी जान आप सर आपके पास 26 ओम आ जाएगा। पानी ठंडा हुआ कि नहीं,
सेकेंड लास्ट से मोस्टली जी मेरे मुसलमानों, चले मेरा बेटा आज का जो हमारा लेक्चर वो यहीं पे एंड होता है। विश यू गुड लक, आज का जो टेस्ट है उसको भी अच्छा दीजिएगा। लेक्चर के एंड पे अपना फीडबैक भी ज़रूर सबमिट करवाया करें। इंशाल्लाह कल और परसों में हमारा ये चैप्टर भी होपफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।